केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 की घोषणा करते हुए स्कूल, कॉलेज और मनोरंजन स्थल को खोलने की अनुमति दे दी है। साथ ही ये भी कहा है कि कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य में सरकारें फैसला लें। छत्तीसगढ़ में भी सिनेमाघरों और शिक्षण संस्थानों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अब भी राज्य सरकार की इजाजत का इंतजार है। जायजा लिया हमारे संवाददाता विनय वर्मा ने। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 5 की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके तहत स्कूल कॉलेज के साथ साथ जो मनोरंजन स्थल हैं उन्हें भी खोले जाने का प्रावधान किया गया है। 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया है कि राज्य अपने स्तर पे चाहे तो ऐसे संसाधनों को खोल सकते हैं, PVR सिनेमा, इसके अलावा कई सारे जो छत्तीसगढ़ में जो मॉल हैं, जो सिनेमाघर हैं, वो खोले जाने की प्रक्रिया जो चल रही है। लेकिन अभी फिलहाल साफ सफाई की जा रही है, सैनिटाइज किया जाएगा और केंद्र सरकार की गाइडलाइन का इंतज़ार किया जा रहा है कि किस डिस्टेंस का वो पालन करवाने के लिए चाह रहे हैं या क्या कुछ नियम लागू कर रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पर लाइनिंग बना दी गई है कि अगर कोई आता है तो कम से कम 1.5 से 2 मीटर की डिस्टेंस पर वो एंट्री पाएगा। इसी तरह से जब टिकट घर हैं वहाँ पर भी जो एक बना दिया गया है दूरी सर्कल, वहाँ मार्किंग कर दी गई है कि कितने दूरी में वो यहाँ पर रह सकता है। इसके अलावा अंदर सैनिटाइज करने की प्रक्रिया की गई है, साफ़ सफाई की जा रही है और ये एक नियम अभी बनाया गया है कि कम से कम आधे लोग ही जो सिनेमाघर हैं जिसमें बैठने की जो व्यवस्था है उसे आधे लोग ही वहाँ पर रहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जितने सिनेमाघर हैं उनमें एक मत नहीं है और राज्य सरकार के वो आदेश का इंतजार कर रहे हैं, फिलहाल उनकी तैयारी पूरी है। देखना होगा कि 15 अक्टूबर के पहले राज्य सरकार क्या आदेश देती है या बिना इनके आदेश के ही जो सिनेमाघर हैं वो खोल दिए जाएंगे। कैमरामैन अजय गुर्जर के साथ विनय वर्मा, IBC24 रायपुर।